नमस्कार जोहार, मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था से अवगत कराते हैं जो झारखंड में कुछ नया काम कर रहे हों, झारखंड को एक नई दिशा में लेकर जा रहे हों। आज हमारे बीच ऐसे ही एक शख्स मौजूद है, कशिश, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक नई दिशा की ओर की। कशिश ने 18 वर्ष की उम्र में मॉडलिंग, एक्टिंग और साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप की जगत में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। इन्होंने कई वेब सीरीज़ में भी काम किया है, मूवीज़ में भी काम किया है और उन्होंने दो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स भी बनाए हैं। तो आइए जानते हैं कशिश के बारे में। कशिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। कशिश जी, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपने 18 वर्ष की उम्र में, जो कि एक बहुत ही कम आयु होती है, तब आपने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। इसका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला था और आपने सबसे पहले क्या किया था? तो जैसे कि मैंने 18 ईयर्स से अपना हैंडमेड गिफ्टिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था। मोटिवेशन का मैं बात करूँ तो मैंने 12th जस्ट उस समय कम्प्लीट ही किया था, तो बिलोंगिंग फ्रॉम अ बिज़नेस फैमिली, तो वो बिज़नेस आपके खून में ही रहता है कि कुछ ना कुछ आपको खुद से करना ही है। आप फैमिली आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, बट एक होता है ना कि खुद से आप कुछ करो। तो मैंने छोटा से घर से ही हैंडमेड गिफ्टिंग का स्टार्ट किया। स्टार्टिंग इनिशियल में उतना लोगों ने पुश नहीं किया, बट जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड आया, सारे स्टोर्स बंद, लेकिन लोगों को गिफ्ट करना है, तो उस चीज़ का मैंने एडवांटेज उठाया और मैंने होम डिलीवरी प्रोवाइड किया हैंडमेड गिफ्टिंग का। तो वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा पुश मिला, लोग मेरे को जानने लगे। अब हर, आप कह लो हर घर में, मतलब लोग मेरे को जानते कि हैंडमेड गिफ्टिंग के नाम से कशिश इज़ देयर, कि मैं उनको कुछ प्रोवाइड कर सकूँ उनके नीडफुल के अकॉर्डिंग। तो पहले आपकी जर्नी की शुरुआत हैंडमेड गिफ्टिंग से हुई थी, मतलब हाँ। आपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी अपनी सबसे पहले शुरू की थी। हाँ। और आपने एक बहुत सक्सेसफुल हैंडमेड गिफ्टिंग बिजनेस भी बनाया है, और ख़ास करके झारखंड में रह कर ये करना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो वो या तो बैंगलोर जाने की कोशिश करते हैं या किसी दूसरे शहर में, बिल्कुल, मतलब जो स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट हो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। पर बहुत सराहनीय है कि आपने रांची में रहकर यहाँ पे एक शुरुआत की। थैंक यू सो मच। उसके बाद कशिश, आपका, आपने एक्टिंग और मॉडलिंग में भी काफ़ी काम किया है, तो वो जर्नी आपकी कैसे आगे बढ़ी और आपने कैसे सोचा कि अब एंटरप्रेन्योरशिप के बाद मुझे इधर जाना है? जैसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप तो कर ही रही थी, लेकिन मुझे लगा था कि मुझे कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है झारखंड में रह के। तो फिर मुझे सडनली एक कॉल आया कि झारखंड रांची में एक प्रोडक्शन हाउस है जो एक फ़ीमेल एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं, फ़ीमेल गर्ल को ढूंढ रहे उनके वेब सीरीज़ में काम करने के लिए। सो मैंने सोचा कि मैं ये एडवांटेज लूँ, और मैंने फिर किया कि चलो मैं कर लेती हूँ। तो वहाँ से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैं अभी भी उस प्रोडक्शन हाउस में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और मैं उसमें एक्टिंग भी करती हूँ, मैं डायरेक्ट भी करती हूँ, और फिर मैं प्रोडक्शन भी देखती हूँ। जी कशिश जी, तो ये काफ़ी मज़ेदार बात है कि जब भी, मतलब एक्टिंग और मॉडलिंग की करियर की शुरुआत, मुझे लगता है काफ़ी लोग ये मानते हैं कि रांची और झारखंड में नहीं हो सकता है, उसके लिए ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बड़ी मूवीज़ बन रही हैं, बड़े वेब सीरीज़ बन रहे हैं। बट आपने ये शुरुआत यहाँ रांची में रह कर की, और साथ ही अभी आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं एक प्रोडक्शन हाउस की, वो भी अपने आप में बहुत सराहनीय है। कशिश जी, आगे हम ये समझना चाहेंगे कि आपने दो तीन वेब सीरीज़ में काम करी है। लव लेन नाम की एक वेब सीरीज़ है जिसके दो सीजन्स आए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस बारे में वो वेब सीरीज़ है और कैसे आप, मतलब आपने कैसे सोचा कि वो स्टोरी आपके लिए सही है और आप उसमें काम करना चाहती हैं? सो लव लेन इज़ अ रोम कॉम टाइप ऑफ वेब सीरीज़, जो हर बॉय और गर्ल का जो टीनेजर में जो लव स्टोरी रहता है। तो फिर मैं भी उसी एज की थी, तो मुझे लगा कि आई कैन रिलेट टू इट, तो फिर मैंने उस सीरीज़ के लिए हाँ बोल दिया कि ठीक है, मेरे एज का भी है, मैं रिलेट भी कर पा रही हूँ और मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। सो वो मैंने किया। अभी मेरा नया वेब सीरीज़ एक और रिलीज़ होने वाला है इन दी मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। जी, तो आपने अभी बताया कि एक नई सीरीज़ आने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस बारे में वो है और वो आपको कैसे मिला या आपने सोचा उसमें काम करना? जो नया वेब सीरीज़ है ये आपका टोटली एक विलेज का लड़का है जिसका स्ट्रगल के बारे में हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, कि वो एक नए बड़े शहर में आता है तो वो लोग क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करते एक बड़े शहर में, क्योंकि जो विलेज का लड़का है उनका रहन सहन बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू जो शहर में जो लोग रहते हैं, तो वो स्ट्रगल्स को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। तो कशिश जी, ये जो वेब सीरीज़ है उसकी क्या पूरी शूटिंग हमने झारखंड में की है
और सारा प्रोडक्शन और जो जो सारी भी चीज़ें होती हैं, क्रू मेंबर, सब कुछ झारखंड से हुआ है? जो भी हुआ है सब झारखंड के ही लोग हैं इसमें। इवन दी एक्टर्स जो है वो झारखंड के हैं, और जो भी शूट हुआ है ओकिया करके एक गाँव है, जी हमने वहाँ किया है आधा शूट, और रांची में ही आधा शूट किया है। तो जी जो भी शूट जितने भी लोग हैं सब झारखंड से। जी कशिश जी, काफ़ी बढ़िया बात है कि हम झारखंड को इस फील्ड में आगे लेकर जा रहे हैं, जहाँ शायद अभी झारखंड का नाम नहीं बन पाया है कि एक्टिंग, एक्टिंग या फिर मूवी प्रोडक्शन जो है, वेब सीरीज़ प्रोडक्शन, इनफैक्ट यूट्यूब में भी अभी हमने झारखंड को बहुत आगे बहुत बढ़ते नहीं देखा है, हाँ जबकि हमने काफ़ी ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स देखे हैं जो मुंबई जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, जो झारखंड से हैं। तो ये शुरुआत झारखंड में करना अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है, बात है। और शायद हमारे ऐसे बहुत सारे यूथ होंगे जो सिर्फ मुंबई जाने की वजह से ये करियर परस्यू नहीं कर पाते हाँ हैं, हाँ पर शायद उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा ये देख कर कि हम झारखंड में भी रहकर ये कर सकते हैं। तो कशिश जी, मॉडलिंग भी आपने करा हुआ है, तो थोड़ा मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और आप कहाँ कहाँ कर रही हैं। मॉडलिंग की शुरुआत ऐसे जनरली अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो झारखंड में कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मॉडलिंग का मैंने बहुत सारे यहाँ पे ये इवेंट शोज़ होते हैं जो लोग आपको इनवाइट करते हैं मॉडलिंग करने के लिए, तो जी मैंने दो तीन टैग्स भी जीता है झारखंड में ही रह अरे के। तो फिर मॉडलिंग का बस कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, जी एंड यहाँ पे बहुत सारे इवेंट शोज़ होते हैं जो आपको खुद से इनवाइट कर सकते, बिल्कुल बस आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए। राइट। तो मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल एक किसी यूथ को इंटरेस्ट है मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है, वो एक यंग एज में है, तो वो उनकी जर्नी कैसी रहेगी, वो कैसे पहुंच सकते हैं वहां तक? टू बी वेरी फ्रैंक, ईजी तो नहीं रहेगी, कोई जी भी फील्ड उतना ईजी नहीं रहता बिल्कुल है। बिल्कुल आपको अपने में मेहनत करना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे से मेहनत कर रहे हो जी और कितना अच्छा आगे बढ़ पा रहे हो। अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे देन फॉर श्योर आपको सक्सेस तो मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कशिश जी, कि कोई भी जो रास्ता होता है वो आसान नहीं होता है, आप अगर किसी भी रास्ते में निकलते हैं तो उसमें मेहनत तो मेहनत तो बिल्कुल बिल्कुल लगेगी। बहुत हाँ मेहनत लगती है और उसमें लगे रहना पड़ता है, तो वो बहुत ज़रूरी है अपने आप में। कशिश जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि आपने एक्टिंग का अपना करियर कैसे शुरुआत की, झारखंड में काफ़ी काम किया है आप लोगों ने, मॉडलिंग भी आप कर रही हैं, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपके एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में जानते हैं, और मैं ये भी समझना चाहूँगी कि ये तीनों करियर्स आप एक साथ कैसे लेकर चल रही हैं? सो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग अपने स्टडीज़ छोड़ देते हैं अपना करियर को वो करने के लिए, बट मैंने अपना स्टडीज़ भी पूरा कंप्लीट किया है। मैंने MBA तक किया है अपने जी लाइफ में। जी मैं साइड बाई साइड एंटरप्रेन्योरशिप में भी मैंने दो स्टार्टअप स्टार्ट किए थे, बिल्कुल एक गिफ्टिंग एंड रियल एसेट्स का। तो रियल एसेट्स का कुछ रीज़न से मैंने बंद कर दिया, बट जी वो भी बहुत अच्छा चल रहा था टू बी वेरी फ्रैंक। फिर साइड बाई साइड मुझे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से, जी बट क्योंकि बिजनेस फैमिली से आप बिलोंग करते हो एंड कोई एक्टिंग फील्ड से नहीं है, एंड बिल्कुल स्पेशली रांची झारखंड जैसा शहर में आप उतना सोच भी नहीं सकते हो कि आप एक्टिंग बिल्कुल मॉडलिंग करोगे। तो राइट फिर बाय गॉड्स ग्रेस मुझे अपॉर्चुनिटी मिला जी और मैंने सही टाइम पे उसको ग्रैब किया। तो आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं एक ऑन्ट्रप्रेनोर भी हूँ, मैं एक एक्टर भी हूँ, और मैं बिल्कुल पैरेलली दोनों चीज़ को साइड बाई साइड लेके चल रही हूँ। जी कशिश जी, कई बार क्या होता है कि जब भी हम ऐसी किसी जर्नी पे निकलते हैं तो वो बिल्कुल आसान नहीं होता है, कई चैलेंजेस आते हैं, कई परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे क्या चैलेंजेस आपके समक्ष आए और कैसे आपने उसको टैकल किया और उससे आगे बढ़िया? मैं एक्टिंग का पहले बताती हूँ। बिल्कुल रांची जैसे शहर में लोग एक्टिंग को उतना मतलब पुश नहीं करते और उतना समझते भी नहीं है। बिल्कुल अगर आप मुंबई जैसे शहर में जाओगे तो वहाँ पे हर तीसरा इंसान एक्टिंग या डायरेक्शन के लिए ही है वहाँ पे, और बिल्कुल लोग वहाँ पे समझते भी है कि इस फील्ड में मतलब आप हाँ, करियर एक बना सकते हो। अपॉर्चुनिटी है हाँ, बिल्कुल लेकिन छोटे शहरों में जैसे झारखंड हो गया, रांची हो गया, यहाँ पे लोग उतना मतलब दे फील लाइक कि क्रिंज कंटेंट है या सिर्फ रील बना रहे हैं बैठ के। बिल्कुल तो यहाँ पे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको अभी भी फाइट करना पड़ेगा इस करियर के लिए कि मुझे एक्टिंग करना है या मुझे मॉडलिंग करना है, फिर लोग उसको अच्छे नज़र से भी देखे। बिल्कुल तो चैलेंजिंग तो था, एंड एंटरप्रेन्योरशिप में स्पेशली आप स्टार्टअप कर रहे हो तो लॉस तो होगा ही होगा, और जितना आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैंने भी वही प्लान किया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने का मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले रही थी कि मुझे फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कशिश जी, कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको शायद पता नहीं चलेगा कि आप क्या कितनी दूर तक जा सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं आगे।
तो बहुत ही खूबसूरत बात है कशिश जी कि आपने जो भी करियर शुरुआत की उसमें कई परेशानियां आई पर आप रुकी नहीं, और शायद जो एक्टिंग की बात आपने कही आज भी उसमें कई परेशानियां हैं जब हम झारखंड की बात करते हैं, और ये क्रिंज कंटेंट वाली जो आपने बात कही कि लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्मली आप क्रिंज कंटेंट ही क्रिएट कर रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, पर उसके बावजूद आप इसमें लगी हुई हैं और शायद आपने जो अभी तक अचीव किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कशिश जी आपने बताया कि आप प्रोडक्शन मैनेजर के जैसे भी काम करती हैं, प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम होता है सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बतलाइए। प्रोडक्शन मैनेजर का ये काम होता है कि जितना भी शूट होने वाला है, जी मान लो आप कल भी शूट होने वाला है, या जो भी आप वो शेड्यूल करो, बिल्कुल जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस शेड्यूल वो शूट की शूट की, जी वो उसका प्रिपेयर करवाओ, फिर जितने भी एक्टर्स हैं उनको लाइन अप करो, फिर डायरेक्टर को लाइन अप करो, सारे इक्विपमेंट्स लाइन अप करो, तो ओवरऑल जो भी प्रोसेस है उसको देखने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रहता है। जी तो आपने इतना मतलब एक्टिंग के साथ साथ ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो करियर आपने लिया है वो कैसे आपने सोचा कि नहीं मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है और मुझे ये भी करना है, और ये जर्नी कैसी चल रही है आपकी? तो क्योंकि मैंने ये प्रोडक्शन हाउस को एज अ एक्टर ही ज्वाइन किया था, बट टाइम टू टाइम मैं और उसमें एंटर करते गए, फिर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गई, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद मुझे लगा कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जी और जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल उनके ऊपर है कि नेक्स्ट शूट क्या होने वाला है, या कुछ कब भी अगर होगा, सेट राइट पे ख़राब हो जाए, तो वहाँ से मेरे को लगा कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ तो वो जी मेरे प्रोडक्शन हाउस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बिल्कुल तो फिर वहाँ से मैंने प्रोडक्शन मैनेजर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। ओके इंटरेस्टिंग कशिश। पर कशिश जो आपकी जर्नी रही है वो बहुत ही वास्ट रही है, मतलब आपने बहुत अलग अलग तरीकों में अपना एक करियर बनाया है और आप सब में बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है अभी तक की जर्नी में, जिसको देखकर आपको शायद लगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मुझे भी यही करना है। किसको देखकर आप इंस्पायर होती हैं? मेरी इंस्पिरेशन मेरी मॉम है, टू बी वेरी फ्रैंक, शी इज़ अ सिंगल मदर, जी तो फिर उनको देख के लगता है कि वो इतनी स्ट्रांग है, जी तो फिर मतलब ये क्यों देखना है कि सिर्फ बेटा ही सब कुछ पूरा कर सकता है, बिल्कुल आज के जनरेशन में बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती है, तो बिल्कुल वहाँ से मुझे लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ कि मैं उनको प्राउड फील कराऊँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोली आपने कशिश जी, कि आज के टाइम पे जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब औरतें बाहर जा रही हैं काम कर रही हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारे काम कर रही हैं, घर के भी काम करती हैं बाहर के भी काम करती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक लड़का ही ऐसे सेक्टर्स में करियर बना सकता है, और ख़ास करके बिज़नेस में जो बहुत ही डोमिनेटेड है ये कह के कि सिर्फ मेन बिज़नेस कर सकते हैं या आदमी बिज़नेस कर सकते हैं, और ख़ास करके छोटे शहरों में ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि विमेन बिजनेसमैन आगे आती हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक इंस्पिरेशन है आपकी कि आपने अपनी मम्मी से सीखा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना आगे है बढ़ना। और इसी मतलब सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ करना है। जब वेंचर्स की बात करते हैं, आप तीनों बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स में काम कर रही हैं, आपके लिए सबसे सैटिस्फाइंग क्या लगता है कि आपको बिजनेस करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है या फिर एक्टिंग और मॉडलिंग के करियर में ज़्यादा इंटरेस्ट है? एक्टिंग क्योंकि मैं बचपन से करना चाहती थी, तो जी एक्टिंग जो मैं कर रही हूँ वो मैं दिल से कर रही हूँ, तो उसमें कुछ भी वैसा नहीं कि मुझे कुछ अर्न करना है, बट जो बिजनेस है दैट इज़ फॉर प्रॉफिट मेकिंग, तो मैं राइट दोनों को पैरेलली लेके चलना चाहती हूँ कि मैं एक्टिंग भी करूँ मैं बिजनेस भी करूँ, कि अगर मैं कहीं पे भी थोड़ा सा भी चूक जाऊँ तो मेरे पास एक सेकेंड प्लान ऑलवेज रेडी होना चाहिए, बिल्कुल तो मैं अपनी लाइफ को उसी साइकिल पे लेके चल रही हूँ कि मैं कहीं पे भी दोनों में से किसी भी नाव में मैं गिरी तो मेरे पास दूसरा नाव प्रिपेयर्ड है कि मैं नहीं इसमें जा सकती हूँ। बिल्कुल तो मतलब आपने एक बैकअप प्लान भी हमेशा हाँ रेडी रखा हाँ है हाँ कि अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो मेरे पास हमेशा ये है। पर आपको ज़्यादा मज़ा क्या करने में आता है मुझे पर्सनली? ज़्यादा मज़ा पर्सनली एक्टिंग करने में आता है क्योंकि वो मैं राइट बहुत खुल के कर पाती हूँ, मुझे एक्चुअली मैं उस चीज़ को मतलब मैं इंजॉय करती हूँ वो प्रोसेस को। राइट ओके कशिश जी, अगर हम आगे फ्यूचर की बात करें, अभी आपने जैसे बतलाया कि आपकी एक वेब सीरीज़ है जो आने वाली है सितंबर में, तो एक तो वो है जो लाइंड अप है आपके पास, उसके अलावा ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं
ये आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपको ये अपने वेंचर्स को एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में और उसको आगे लेकर जाना है, या फिर आप एक्टिंग के करियर को सिंगल हैंडेडली आगे लेकर चलेंगी? तो ये साल मेरे लिए बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस साल में मेरा एक वेब सीरीज़ और एक मूवी दोनों ही रिलीज़ होने वाला है सितंबर मंथ में। तो ये मेरे लिए एक्चुअली में बहुत बड़ा है, और आगे मैं दोनों को पैरेलली लेके चलना चाहती हूँ। अभी मैं और भी कुछ प्लान कर रही हूँ स्टार्ट करने का, कि मैं एक और थर्ड विंग अपने लिए रेडी रखूँ, कि मैं उसमें भी कुछ अचीव कर पाऊँ। तो वो मेरा फ्यूचर गोल है। अभी इस साल के लिए तो मैंने जो प्लान किया था वो मैंने अचीव कर लिया, कि जी, मैंने दो वेब सीरीज़ और एक मूवी मैंने अचीव कर ली। अमेजिंग कशिश। कशिश, आप मूवी के बारे में बता रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो किस बारे में है, क्या नाम है मूवी का और किस प्लेटफॉर्म पे वो रिलीज होगा? तो जो मूवी है बाज़ इन बिहार, ओके वो OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ होने वाला है। मैं OTT प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले सकती अभी। जी, तो बिल्कुल फिर वो जो मूवी है वो रियल बेस्ड स्टोरी है बिहार के ऊपर, जी तो इससे ज़्यादा मैं अभी रिवील नहीं जी कर सकती। जी तो वो एक रियल इंस्पिरेशन से हाँ है। हाँ वो और ये आपको प्रोजेक्ट्स कैसे, ये प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली आपको कैसे मिला, ये मूवी का प्रोजेक्ट, और क्या आप लीड रोल प्ले कर रही हैं उसमें? तो इस मूवी में मैं लीड रोल प्ले कर रही हूँ। तो जी ये भी उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा, तो अराउंड 120 पोर्टफोलियोज उनको मिला था, एंड उनको मेरा पोर्टफोलियो पसंद आया, सो दे कॉल्ड मी। और फिर एक इंटरव्यू टाइप का हुआ, फिर उन्होंने ऑडिशन लिया एंड मैं उसमें पास हो गई। तो फिर वहाँ से फिर मैंने वो मूवी किया। जी कशिश जी, अगर जब हम झारखंड में जो यूथ हैं जिनको एक्चुअली एक्टिंग के करियर में इंटरेस्ट है या मॉडलिंग के करियर में इंटरेस्ट है, वो कैसे इंस्पायर कर सकते हैं अपने आप को? जैसे अभी आज के टाइम की अगर हम बात करें तो काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं जो शायद जिनके पेरेंट्स बहुत डरते हैं कि अगर हम एक्टिंग के फील्ड में अपने बच्चे को भेजेंगे तो शायद वो ख़राब हो खराब हो जाएं, जाएंगे। या फिर हाँ मेंटल हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा इशू है जो एक्टिंग के करियर में देखा गया है कि लोग मेंटली बहुत सफ़र करते हैं, एक लोनलीनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उससे कैसे टैकल कर सकते हैं? प्लस आप ऐसे पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगी कि किस प्रकार वो बच्चे इन सब चीज़ों का सामना कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं और फिर एक्टिंग में करियर बना सकते हैं? पहले तो ही मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोग एक्टिंग के फील्ड को बहुत ख़राब नज़रों से देखते हैं, और इसमें उनका भी गलती नहीं है, बट थोड़ा सा आपको नज़र बदलना पड़ेगा कि ये भी एक अच्छा फील्ड है, यहाँ पे भी लोग अपना बहुत जी अच्छा करियर बना सकते हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो आपको बड़े शहर में ही जाना पड़ेगा, जी आप खुद के शहर से स्टार्ट कर सकते हो। हमारा भी यही मोटिव है कि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें हम यही चाह रहे कि हम लोग झारखंड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, कि अगर झारखंड में किसी को एक्टिंग या मॉडलिंग करना है तो वो लोग मुंबई या कोई बड़ा शहर नहीं जाए, वो लोग अपने ही शहर में वो लोग अपना जो ड्रीम है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्टिंग करना है छोटे शहर में, आप कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट कर सकते हो। आप खुद ऐसा बन जाओ कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स आपको इनवाइट करें, इंस्टेड ऑफ़ कि आप उनके पास जा रहे हो कि नहीं मुझे ले लो मुझे ले लो। उस रेस में तो सभी दौड़ रहे कि मुझे ले लो मुझे ले लो, लेकिन आप अपने ही शहर में रह के अपना नाम इतना बना लो कि वो लोग आपको खुद से इनवाइट करें। बिल्कुल। कशिश जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बतलाया कि वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ समझना चाहूँगी जो हमारे शायद दर्शकों को काफ़ी मददगार रहे। आपने बोला कि कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अगर किसी को एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो वो किस प्रकार के कंटेंट क्रिएशन से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, या खास करके मॉडलिंग में भी वो किस प्रकार एंट्री ले सकते हैं और कैसे शुरू कर सकते हैं? तो जैसे अगर आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो एक्टिंग में 7 तरीके के रस होते हैं, जी तो वो आप सीख सकते हो। एंड उस 7 रस को आप कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दिखा सकते हो, आप वो सब कंटेंट क्रिएशन में दिखा सकते हो। तो जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो लोग, जो एक्टर है उसका यही देखते हैं कि वो कैसे एक्सप्रेशंस दिखा रहे। तो अगर आप अपना एक चैनल बना रहे हो जहाँ पे आपका पूरा एक्सप्रेशंस दिख रहा है, आप कैसे एक्टर हो, आप कैसा एक्टिंग करते हो ये दिख रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली वहीं से आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपको ऑडिशन देने का भी ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद ही अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, तो वो आप अपने शहर में रह के भी कर सकते हो। जी, तो एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जैसा आपने बताया। कशिश जी, आपने अपनी पूरी एजुकेशन भी कंप्लीट की है और साथ में पैरेलली ये चीज़ें कर रही हैं आप, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कम उम्र से शुरू करते हैं और शायद अपनी पढ़ाई भी बीच पढ़ाई में कंप्लीट, छोड़ देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन क्या बहुत ज़रूरी है और इसके साथ वो दोनों चीज़ें पैरेलली चलनी चाहिए, या अगर कोई बहुत पैशनेट है एक्टिंग के लिए तो वो अपने एजुकेशनल करियर को छोड़ के एक्टिंग में आगे बढ़ सकता है? मेरे हिसाब से एडुकेशन पूरा करना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। आप जो मैनेजमेंट में सीख रहे हो, आप जो बिजनेस में सीख रहे हो, वो हर चीज़ हर फील्ड से कोरिलेटेड है। अगर आप एक्टिंग भी कर रहे हो तो आपकी स्टडीज़ आपके साथ ही चल रहे, तो आप पैरेलली लेके चल सकते हो। दोनों में अगर अचीव करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हायर अचीवमेंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप सिर्फ एक में अचीव कर रहे हो। तो एडुकेशन इम्पॉर्टेंट है, वो कंप्लीट करके ही आपको अपने बिल्कुल करियर पे भी फोकस करना चाहिए। राइट। तो या तो दोनों चीज़ें पैरेलली चलें कि आप हाँ, अपना एजुकेशन एडुकेशन भी कंप्लीट करो और करियर पे भी फोकस करो, या फोकस तो करो। एडुकेशन कंप्लीट करके फिर आप अपने करियर पे ध्यान दे सकते हो। तो कई बार लोग कहते हैं कि एक्टिंग के करियर में ना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अर्ली स्टार्ट करो। कुछ लोग बहुत ऐसे 15-16 साल की उम्र से ही हाँ शुरू कर देते हैं एक्टिंग सीखना, या फिर एक्टिंग करना, और बाद में जाकर वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन लेते हैं। तो क्या और कुछ लोग बहुत डरते हैं कि अगर हमने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया तो सारी शायद हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमें कोई प्रोजेक्ट्स नहीं दें। तो उसके बारे में आपका क्या मतलब, आप क्या सोचती हैं कि क्या ये सही है और उसको कैसे टैकल कर सकते हैं लोग? इसके लिए जैसे मैंने कहा कि आप एडुकेशन प्लस एक्टिंग पैरेलली लेके चलो। अब क्योंकि आप डिस्टेंस कोर्सेज भी कर सकते हो, आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो, तो मेरे हिसाब से इतना आजकल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यूथ को। क्योंकि पहले आपको स्कूल जाना पड़ता था, आपको कॉलेजेस जाना पड़ता था, क्लासेस अटेंड करने पड़ते थे। जी अब आप डिस्टेंस कोर्स कर सकते हो, पैरेलली आप करियर पे भी फोकस कर सकते हो। एक्टिंग आप पढ़ाई के साथ अगर कंप्लीट करोगे तो आपका जी इंग्लिश जो फ्लुएंसी है एक्टिंग में, अगर आप मान लो आप अगर किसी इंग्लिश वाला वो कर रहे हो तो इंग्लिश ज़रूरी है बोलना, तो जी वो आप स्टडीज़ कंप्लीट करोगे तभी आप कर उसमें पाओगे। फ्लुएंट हो पाओगे। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर दोनों पैरेलली लेके चलने से ही ज़्यादा। हाँ, ज़रूरी है, मतलब दोनों चलना साथ में बहुत ज़रूरी होता है। आपने एक एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कशिश जी, वो ये है कि अभी कंटेंट प्रोडक्शन, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो बहुत हाई हो चुका है। मतलब इतना कंटेंट है, और सिर्फ हम सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ झारखंड की भी बात करें तो इतने सारे लोग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसको फ़िल्टर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या अच्छा कंटेंट है देखें, क्या बुरा कंटेंट है, कौन अच्छे एक्टर्स हैं। शायद अच्छे एक्टर्स को ढूंढना भी बहुत बहुत मुश्किल है कि मुश्किल है। क्योंकि शायद उनकी रीच उतनी अच्छी नहीं होगी, और उसमें बहुत समय लग जाता है। तो कुछ लोग उससे हिचकिचाते भी बहुत हैं कि इतना समय लग रहा है, या छोड़ देते हैं कई बार फ्रस्ट्रेट होकर। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर कोई वो रास्ता नहीं अपनाना चाहता है, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करना चाहता है, तो वो झारखंड में कैसे काम कर सकते हैं? झारखंड में क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो हमसे रीच करने के लिए आप हमारे इंस्टा आईडी या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हो। एक छोटा सा ऑडिशन रहेगा, अगर आप उस पर्टिकुलर जी रोल के लिए फिट हो देन ऑब्वियसली हम लोग आपको सेलेक्ट कर लेंगे। बट अगर कहीं लग रहा है कि आप कुछ और रोल प्ले कर सकते हो, या जस्ट कि आपको हमारा प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करना है, आपको कुछ सीखना है, तो तभी भी हमारे डोर्स हमेशा ओपन है हर यूथ के लिए जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है। राइट। कशिश जी, एक्टिंग का जो फील्ड है, जैसे आपने बताया कि जब आप मूवी के लिए भी अप्लाई कर रही थी तो ऑलमोस्ट 120 पोर्टफोलियोज थे जो सबमिट हुए थे, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ये, राइट? और जैसे और भी ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो कॉम्पिटिटिव नहीं है ऑनेस्टली, बट जब आप कोई ऐसा नई क्या कोई नया रास्ता चुनते हैं या किसी नई दिशा में जाते हैं, और वो जब कॉम्पिटिटिव होता है, तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शायद आपके घर वाले भी सपोर्टिव ना हों। तो ऐसी स्थिति में आप इन परेशानियों का सामना कैसे कर सकते हैं? मतलब हमारे यूथ के लिए ये सवाल है, और साथ में अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं? देखिए, कंपटीशन हर फील्ड में, अगर आप बिल्कुल सीए बनना चाहोगे, सीएस बनना चाहोगे, तो हर कोई सीए बनना चाह रहा है, कोई सीएस बनना चाह रहा है। कंपटीशन हर फील्ड में, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। अगर आप एक बार अपने दिमाग में ये कर लियो कि नहीं मेरे को अचीव करना है, तो वो आप अचीव कर लोगे। और हाँ, आपको कंसिस्टेंसी हर चीज़ में फॉलो करनी है। जी जो लोग सीए बनना चाहते हैं वो लोग भी डेली पढ़ते हैं, बिल्कुल तब जाके वो लोग उसको क्रैक कर पाते। तो अगर आपको एक्टिंग या मॉडलिंग भी करना है, तो आपको डेली उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा अपने पे वर्क करोगे, उतना ज़्यादा आप अचीव कर पाओगे। तो बिल्कुल अगर आप कंसिस्टेंट हो किसी चीज़ को लेके, एंड अगर आप एकदम डिटर्मिंड हो कि नहीं हमें मुझे ये करना है, तो वो आप अचीव कर लोगे। बिल्कुल। बट कशिश जी, क्या आपको लगता है कि एक्टिंग की फील्ड की जब हम बात करते हैं, या मॉडलिंग की, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है बाकी फील्ड से? बाकी फील्ड्स में शायद एक सोसाइटी का भी सपोर्ट होता सपोर्ट है है। कॉन्स्टेंटली, बट ये फील्ड्स जो हैं, ये बहुत बहुत ही अलग, जैसे जैसे हम इस शो में नई दिशा की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत ही नई दिशा है, और ख़ास करके झारखंड जैसे स्टेट के शहर। लिए। हाँ बिल्कुल।
तो वैसे में शायद चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। तो वैसे बच्चों के लिए जो इसमें आप जो मेहनत कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कुछ लोग बहुत सालों सालों तक मेहनत करते हैं और फिर भी शायद बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ये भी एक कारण होता है कि वो मुंबई जैसे शहर में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो झारखंड में ही रहें, और क्या कोई मैसेज है जो आप आज के यूथ को देना चाहती हैं? तो मुंबई जैसे शहर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, बट वहाँ पे स्ट्रगल भी ज़्यादा है। आप ये भी देखो, झारखंड जैसे शहर में अपॉर्चुनिटीज़ कम है बट स्ट्रगल भी कम है। वहाँ पे आपको करोड़ों लोग दिखेंगे जो इसी रेस में भाग रहे, यहाँ पे बहुत कम लोग रेस में भाग रहे। तो आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप उस रेस में अभी दौड़ो जहाँ पे कम लोग हैं, एज़ कम्पेयर टू आप मुंबई जैसे शहर में जाओ जहाँ पे हर कोई एक्टर बनना चाह रहा है, हर कोई डायरेक्टर बनना चाह रहा है, फिर आप उसी बीच में आप कहीं पे बस रह गए। बट यहाँ पे झारखंड में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आपको ग्रैब करना चाहिए उसको, और इस चीज़ के लिए आपको वर्क भी करना चाहिए खुद के ऊपर कि आप अपने आप को कैसे सबसे ज़्यादा पोर्ट्रे। अगर आप एक्टिंग करना चाह रहे हो तो आप क्या क्या नए चीज़ें सीखो कि आपका एक्टिंग और अपलिफ्ट हो। तो बड़े शहर ये दिमाग में रखना कि बड़े शहर जाएंगे तभी कुछ सक्सेस मिलेगा, बिल्कुल आपको ये चीज़ दिमाग से निकाल देना है, आप अपने शहर में भी कर सकते हो। बिल्कुल कशिश जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बात को बतलाया हमें कि हर जो फील्ड है वो बहुत मुश्किल है, पर अगर आप उसके उस दिल से उस काम को करना चाहते हैं, आप पैशनेट हैं उसको लेकर, तो शायद वो रास्ता बहुत ही मज़ेदार लगने लगेगा। और चैलेंजेस हर जगह पे आएंगे, पर उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है, उसको टैकल करना इम्पॉर्टेंट है, और अपने ऊपर काम करना कंसिस्टेंट रहकर वो बहुत ज़रूरी है। कशिश जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज आप हमारे शो में आए, इतना कुछ बतलाया। तो मैं अब अपने दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त, अब हम मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, थैंक यू।